हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कभी अपनी लाइफ में तो कैसे हैं आप लोग तो करते हुए नहीं ये कब ये एकदम से मैं okay, okay, okay. चलिए शुरू करते हैं। आपको एक बार रीटेक देना है तो चलिए शुरू करते हैं। सनी देओल थोड़ी है यार। नहीं वो भी वो करते हैं। ऐसे कैसे करते हैं? कैरी कर लीजिए एक बार ऐसे। ये वाला करियो। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं ऐसे। कैसे है आप लोग? ये तो मैं नहीं पूछने वाला हूँ क्योंकि ना ही मैं कैरी हूँ और ना ही लेग्रांड शो की कोई कंटेस्टेंट हूँ। अच्छा ठीक है समझ गया। तो आज हम बात करने वाले ऐसे एक शो के बारे में जो नाम से तो इंडिया का गेमिंग शो है जिसमें हमारा और आपके सबसे ज्यादा चाहते और इंडिया के सम ऑफ द टॉप 5 यूट्यूबर्स जज है इसमें, लेकिन यहाँ पे इनको मेंटर्स कहा जाता है जिससे दावो इसमें कोच। इसे हर शो में अलग अलग नाम दिया जाता है लेकिन इसका काम तो एक ही है। क्या? जज करना, ज्यादा पैसा लेना। ये नाम का तो गेमिंग शो है लेकिन इसे देखने के बाद आपको पता नहीं चलेगा आप बिग बॉस देख रहे हो कि रोडीज, तो कभी डांस इंडिया डांस, तो कभी इंडियन आइडल का ऑडिशन, थोड़ा हसल का रेप, तो थोड़ा द वॉइस का बजर, और सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन लिया इंडियाज गॉट टैलेंट से। इस शो को बनाने वाले शायद इतना ज्यादा रियलिटी शोज देखता था और यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखता था दूसरे से इंस्पिरेशन लेने की, तो उसने सबसे थोड़ा थोड़ा इंस्पिरेशन लेके खुद का ही एक रिमिक्स शो बना डाला। पता है मैं अभी ना छोटे बच्चे की आवाज में बात करूंगा। कैली ने पहनी लुंगी और गया घूमने गुवाहाटी। उसके बाद में वही लुंगी पहनी आशीष जी ने। कैली ने बोला ये क्या है, ये तो टट्टी है। कैली ने बोला दे दे भाई मेरी लुंगी। मैंने बोला ये क्या झगड़ रहे हो सर, हम बजाएंगे ये दोनों की पुंगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं क्या बताऊं। यहाँ पे ये दीदी सिलेक्ट होने के चक्कर में क्यूट बनने की कोशिश कर रही है, फिर ये जो बोल रही है ना तो उसका कोई मतलब है ना ही फनी है, ना ही 2 साल का कोई बच्चा ये देख के हंसेगा। 2 साल का बच्चा ये फनी होता तो भी नहीं हंसता। नहीं हंसता है? दीदी की आवाज तो बिल्कुल भी बच्चों वाली क्यूट नहीं लग रहा है। ऊपर से ये लाइंस जो इतना ज्यादा क्रिंज बोल दिया, आशीष और केरी के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है उनके मन में क्या चल रहा है। आशीष और केरी भी लाइक ये मैं कहाँ फंस गया यार, इतना पैसा ले लिया अब तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। सहलेंगे थोड़ा सा। सीजन 1 की एक कंटेस्टेंट से सीधा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया क्योंकि दीदी ने सोचा ना मेरे पास कोई गेमिंग स्किल्स है ना कोई टैलेंट है तो क्यों ना बच्चों वाली आवाज निकाल के ही शायद सिलेक्ट हो जाओ। सीजन 1 में तो वो लड़की यही करके सिलेक्ट हो गई थी। चलिए देखते हैं सीजन 1 में कैसे एक कंटेस्टेंट यही करके सिलेक्ट हो गई थी। मैं आप लोगों से ऐसे बच्चे की टोन में बात करती थी। ओके। तो मैं ये बोल रही थी कि मैं ना इस शो में आने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत एंटरटेन करूंगी और मुझे आप लोग बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है कि मैं ना शो के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। ट्रिगर्ड इंसान का नाम लेने का कीड़ा किसने डाल दिया? तो क्योंकि ना मैंने आपका कंटेंट लाइक सबसे ज्यादा देखा हुआ है और वो चल मुझे भाई बहुत खुश हो जा तू। नहीं आई एम वेरी हैप्पी कि यू चोज हिम। बेचारा बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, तुमने इसे फाइनली सिलेक्ट कर लिया। लेकिन ये लड़की ने काफी अच्छे से किया था और मेंटर्स को इंप्रेस भी कर लिया था। तो सबसे पहले हमारा सस्ता मुन्ना भैया कैरी मराठी की। भाई क्या मजबूरी थी, एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर जो पहले ऐसे क्रिंज शो को रोस्ट करता था आज खुद ऐसे शोज में आके रोस्ट हो रहे। इससे अच्छा तो तुम बिग बॉस में चले जाते भाई, यहाँ पे क्या झेलना पड़ रहा है ये देखो। एक रोस्ट कर ले। क्या बात? किसको? कैरी को। कैरी को एक ही। कैरी यार मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी गई थी यार, आपकी कैसी गई? दिल पे मत लियो भाई। ये सोच क्या है ना ये? गुड गुड वेरी गुड नाइस। तो अगला कौन है? हमारा सस्ता अश्नीर ग्रोवर। सस्ता अश्नीर ग्रोवर। अच्छा तो बात करते हैं हमारा आशीष चंचलानी जी की। लगता है इनको अभी एक YouTube चैनल खोल लेना चाहिए। भाई उनका 30 मिलियन वाला चैनल है। क्या बात कर रहे हैं, तो वीडियो क्यों नहीं आया? बस इतना पैसा ले लिया कि वो वीडियोस बनाना ही बंद कर दिया, उनको जरूरत नहीं पड़ रहा है। अच्छा अच्छा। In Singapore, where exactly are you from? No way, I can't say because Singapore is so small. Okay. So if I say where the area I live at, people okay. would know. Oh, okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So I. Oh my. Address hi mang raha hai.
फिर बोलता है भाई मैं क्या लोकल ट्रेन पकड़ के रोज का सिंगापुर जाता हूँ क्या भाई? नोटिस करो सबसे एड्रेस पूछ रहा है ये हाँ, कौन से गांव में रहता है भाई? तो मेरे सबसे पूछा ना सब पता है। रियली सॉरी तो आशीष चंचलानी इस शो में हर कंटेस्टेंट का एड्रेस पूछने के लिए आए। एड्रेस से क्या करोगे भाई? बहुत तेज हो रहा है। तो अगला कौन? हमारा सस्ता वरुण धवन। हर्ष बेनीवाल, जिनको शो में बस डांस के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। भाई को हर कंटेस्टेंट में एक डांसर नजर आता है, ना कि गेमर। कुछ डांस का हो गया या कुछ डांस करेंगे डांस करके देखा। ये तो गेमिंग शो है भाई, तो गेमिंग स्किल देखो। अब तो लगता है भाई को डेविड प्लेग्राउंड कंटेस्टेंट शो बना लेना चाहिए। अगला कौन? हमारा ओपी गेमर, हमारे पांच मेंटर्स में से एक लौता गेमिंग कंटेंट क्रिएटर, यानी कि स्काउट। जो पहले सुना था ये गेमिंग शो है, लेकिन भाई इस शो में आने के बाद भाई का गेमिंग करियर खत्म हो गया। भाई ने गेमिंग के अलावा सब कुछ देख लिया, लेकिन गेम किधर है? गेम नहीं मिल रहा है भाई को अभी तक। बाहर आप कुछ ऐसा पोर्ट्रे करते हो कि एवरीथिंग इज गुड ऑल राइट, बट मेरी शादी कब होगी? अरे लाल चुनरिया वाली रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। 2024 and you'll love the person and the person will care for you a lot. The girl will be very emotional. तो अगला कौन रह गया? छोटी बच्ची हो क्या? ऐसे ही पकड़ा, ट्रिगर्ड इंसान। यह बस अपने काजू कटली को ढूंढने आए, क्योंकि बाद में जाके चैनल पे उनके बच्चों के साथ स्टोरी टाइम में शेयर करना है। स्क्रिप्ट तो चाहिए उनको। पहले मेरे को ये बताओ आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? 1.3 मिलियन। आई थिंक शो पे अभी तक जितने भी लोग आए सबसे ज्यादा फॉलोअर्स आपके। आप तो ऑलरेडी फेमस हो मैम। कैसे कर रही हो यार? अरे जैसे आपने किए। गजब बेइज्जती है। मैंने कैसे किए? गाली दे। मैं गाली तो नहीं देती, बट हाँ। तो फिर कैसे किया? लिप सिंक कर करके। क्या बोला तूने? लिप सिंक कर करके। वुमेन। आयुषी आप ना बड़े इनोसेंट लग रहे हो। आप एक्चुअली में हो या फिर फ्लिप हो जाता है? टिकटॉक वाले लिपसिंग करके इतना फॉलोअर्स बना रहे हैं, लेकिन जिन्होंने टिकटॉक गिराया उन्हीं के सामने आके उन्हीं से कंपैरिजन कर रही है। तेरी भाई अभी भी टाइम है, सोच लो। अपने होगा पैसा ले लिया था। कोई तीन गेम्स का नाम बता दो। लूडो। अरे चलो ठीक है, ऑनेस्ट। बट शी इज ऑनेस्ट। सफर भी ठीक है। ओके ये दीदी गेमिंग शॉप पे आए हैं, लेकिन इनको गेमिंग के नाम पे दो ही गेम का नाम पता है, सिर्फ लूडो और सबवे सर्फर्स। तो तीसरा कैंडी क्रश ही बोल देती। खैर जो भी शो है आपको सबको मजा तो आता होगा, आपको एंटरटेनमेंट मिल जाता है। तो आप देखना चाहते हैं तो अमेजन मिनी टीवी में जाके देख सकते हैं, आपको काफी ज्यादा गेमिंग के साथ एंटरटेनमेंट मिलेगा। और ये सब जो भी था बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था। चलो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा है तो आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा, आप जितने भी चैनल है आप चेकआउट कर सकते हो। और कमेंट में बताओ आपको कौन सा पार्ट अच्छा है, और सजेस्ट करो हमें कि अगले क्या बनाएं। तो हम ट्राई कर रहे हैं कुछ अलग अलग नया चीज़। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।